myself. No, I need to get some help. Hoping you could save me. हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और मैं सपना आप सबका स्वागत करती हूं मैं अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम है और अभी पानी, गर्म पानी मैंने करके पी लिया है। अब मैं जा रही हूं चाय बनाएंगे। थोड़ा मौसम भी बढ़िया लग रहा है तो थोड़ा चाय पी लेते हैं। और अभी हस्बैंड जी गए हैं बाहर टमाटर लाने, टमाटर ख़त्म हो गया था तो चल रहे हैं। चाय पीने के बाद फिर सब्जी रोटी बनाएंगे नाश्ते में बच्चों के लिए, क्योंकि एक का परीक्षा है। तो आज बहुत सारा काम है। आज थोड़ा बागवानी करनी है मुझे, क्योंकि थोड़ा पेड़ पौधे हैं, थोड़ा सा छटाई कटाई करेंगे, क्योंकि बहुत ही बरसात के कारण ना फैल गए हैं। द्वारी पे मेरा दो तरफ फूल है जो कि बहुत फैल गया है। तो फैलने की वजह से ये हो जा रहा है ना कि आते जाते पैर में लगता भी है फूल, जो कि लग रहा ठीक नहीं रहता है फूलों को पैरों में। और फिर इतना मतलब फैल गया है कि अंदर कुछ भी छिप सकता है। दो दिन पहले ही मैंने देखा कि दो दो सर्प मेरे घर में चल रहे थे उधर। तो अभी पानी के मौसम में तो आता ही जाता है इधर से, तो ही डर लगा रहता है कि अंदर घुसा रहता है तो आने जाने में फिर दिक्कत हो जाएगी। तो वही सोच रही हूँ कि मतलब सारे पेड़ पौधों को ना नीचे से छांट दूँ। नीचे से छांटने से हो जाएगा कि ज़मीन दिखेगा, अब कोई भी जीव जंतु अंदर छुप नहीं पाएगा। तो यही सोच रखी हूँ। तो जा रहे हैं आज खाना वगैरह बनाकर, आज यही काम करते हैं दोपहर में। आज केला की सब्जी बनाएंगे। और सोच रही थी कि इसे दो तीन दिन हो गए हैं केले के, थोड़ा लग रहा है कि पक न जाए ये, तो इसका पहले बना देते हैं क्योंकि ये खराब हो जाएंगे केला। और खराब होने चला लगता, देखिए आपको देखिए थोड़ा थोड़ा काला काला हो रहा है ये, क्योंकि तीन चार दिन हो गए ये सब्जी का लाए हुए, तो अभी बना नहीं पाई। तो और बहुत सारे सब्जी थे तो वो सारी सब्जी बनाते बनाते ये ऐसा हो गया। तो इसे क्या करते हैं, सबसे पहले बना देते हैं क्योंकि खराब भी हो जाएगा। तो इसे बनाते हैं आज सब्जी और रोटी बनाएंगे इसी का, बहुत मज़ेदार सब्जी बनाएंगे केला का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने केले को अच्छे से छिलके उतारने के बाद, धोने के बाद चिप्स जैसा काट लिया है। और उसमें मैं यहाँ पर हल्दी मिला दे रही हूँ क्योंकि अभी टाइम लगेगा मुझे इसे पकाने में, तब तक मैं मसाले को तैयार करूँगी। हल्दी इसलिए लगा रही हूँ ताकि ये काला ना पड़ जाए। हल्दी लगा कर रखने से ना काला नहीं पड़ता है केले। और यहाँ पर मैं मसाले की तैयारी कर रही हूँ। वो मसाले में मैंने जार में लहसुन 6-7 कलियाँ और हरी मिर्च है जो कि सूख गई है, और उसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और काली मिर्च की पाउडर मैंने डाल दिया है। साथ में ही यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स कर लूँगी, क्योंकि अगर लहसुन और मिर्च सिर्फ इसमें पीसती तो नहीं पीसता, बहुत थोड़ा सा हो जाता है ना। तो फिर सोचा कि सभी को ऐड करके इसी में पीस देते हैं, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा और मिल भी जाएगा और पीस भी जाएगा। तो चलिए, मेरा यहाँ हो गया है तैयार मसाले, उसे साइड करते हैं। अब यहाँ पर टमाटर मैंने दो लिए थे, दो टमाटर को अच्छे से इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो देख लीजिए हमारा ग्राइंड भी हो गया है। ग्राइंड करने के बाद इसे अलग साइड रखते हैं, कढ़ाई को चढ़ाते हैं, तेल थोड़ा सा डाल दिया है। अब इस तेल में इसे फ्राई करेंगे। तो इसमें आप फ्राई भी कर सकते हैं ज़्यादा तेल खाने वालों के लिए ज़्यादा, लेकिन कम तेल मैं खाती हूँ तो थोड़ा तेल डाल के इसमें मैं भून लूँगी इस तरह से। ज़्यादा तेल मैंने डाला नहीं है तो यहाँ पर भून लूँगी अच्छे से इसे, इसका कलर बदलने तक इसे भून लेंगे और इसे निकाल लेंगे। निकालने के बाद उसी कढ़ाई में मैं फिर से तेल डाल दूँगी थोड़ा सा, और तेल डालने के बाद इसमें जीरा का फ़ौरन दे देते हैं। जीरा का फ़ौरन डालने के बाद दो यहाँ पर लाल मिर्च मैंने डाल दिया है। इसके बाद दो तेज पत्ता डाल देंगे। बस इसे तड़कने देते हैं थोड़ी देर के लिए।
फिर प्याज इसमें डालकर अच्छे से भून लेंगे। केला की सब्ज़ी बहुत ही स्वाद लगता है। अगर इस तरह से बनाएंगे तो आपको मीट मछली फेल हो जाएगा। बहुत ही अच्छा लगता है ये सब्ज़ी, लेकिन बनाने का तरीका अलग हो तो जैसे तैसे अगर इस सब्ज़ी को केले के सब्ज़ी को बना देंगे तो फिर स्वाद नहीं लगता है, लेकिन इस तरह से अगर बनाकर खाएंगे ना तो बहुत स्वाद लगता है। एकदम इतना स्वाद लगेगा ना आपको कि रोटी चावल के साथ खूब खाएंगे। तो मैं यहाँ पर प्याज अच्छे से इसे भून लिया है। यहाँ पर देखना है कि प्याज ज़्यादा नहीं रेड होना चाहिए, हल्का रेड हो जाए, हल्का भूरा कलर हो जाए, बस इसमें मैं आलू डाल दिया है। आलू डालने के बाद इसे भी मैं 2 मिनट के लिए भून लूँगी। 2 मिनट भूनने के बाद इसे अच्छी तरह से भूनना है हमें 5-10 मिनट, क्योंकि इसमें पानी छोड़ेगा और पानी छोड़ेगा उसके साथ साथ मेरा आलू भी पक जाएगा और भून भी जाएगा। तो ये देख लीजिए, हमारा आलू पूरा पानी सोख गया है। तो इसमें मसाले मैंने ऐड कर लिया है, और मसाले ऐड करने के बाद तुरंत ही मैंने टमाटर का ग्रेवी भी डाल दिया है। अब इसे 5 मिनट और भूनेंगे जब तक कि तेल ये छोड़ न दे, और इसके बाद तेल जब छोड़ दे, लगे कि हाँ भून गया है मसाले, तो इसमें ऐड कर देंगे चिप्स को, केले वाले चिप्स को जो मैंने भून कर रखा था उसे भी मिला देते हैं। और इसमें गरम मसाला और मैगी मसाला आधी आधी चम्मच मैंने डाल दिया है। इसमें मैगी मसाला आधी चम्मच और गरम मसाला आधी चम्मच डालेंगे तो और भी इसका स्वाद देखिए बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इसमें फिर 2 मिनट भूनने के बाद इसमें पानी मैं डाल दूँगी, और ग्रेवी आपको जितना रखना उतना रख सकते हैं। चावल के साथ थोड़ा ग्रेवी रहता है तो बहुत ही स्वाद लगता है चावल के साथ खाने में, तो ग्रेवी आप को रखना है तो ग्रेवी रखें थोड़ा सा, और नहीं तो इसे सूखी सब्ज़ी भी बना सकते हैं थोड़ा कम पानी डाल के, बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए, मेरा सब्ज़ी और चावल आज बना रही हूँ मैं। तो मेरा चावल तो बन गया है, सब्ज़ी सिर्फ चढ़ा हुआ है। तो जब तक सब्ज़ी मेरा ये पकेगा तब तक मैं यहाँ साफ़ सफ़ाई भी कर लेती हूँ रसोई रूम का, क्योंकि जब मैं रसोई रूम में रहती हूँ तभी मैं साफ़ सुथरा करके रख लेती हूँ, क्योंकि खाली बैठने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ करके साफ सफाई कर लेती हूँ तो मेरा समय बच जाता है। और ऊपर के भी जितने बर्तन हैं सभी को अच्छे से सेट कर लेती हूँ जब तक मेरा सब्ज़ी बनेगा। इधर बर्तन भी जो मेरे गंदे हो गए हैं उसे मैं धो लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, बर्तन मांजने के बाद यहाँ पर कपड़े रखे हुए थे जो सुबह में मैंने स्नान किया था, वही कपड़े मैं सुबह में ही धोकर रखी हुई थी, तो पानी गर गया है उसका, तो अभी पसार देते हैं धूप में, सूख जाएगा। और अभी बाल वगैरह मैंने झाड़ा नहीं है। बाल का क्या है ना, बाल अभी भींगा हुआ है तो ये सूख जाए। कहते हैं ना कि भींगा बाल में कंघी नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो बाल बहुत टूटते हैं। तो सूख जाएगा तभी मैं कंघी लगाऊंगी। और यहाँ पर सब्ज़ी मेरा तैयार है, ये देखिए पक गया है मेरा सब्ज़ी, बिल्कुल ही टेस्टी सब्ज़ी तैयार है। तो मुझे चावल के साथ खाना है तो इतना ग्रेवी मैं रखूँगी। और मैंने सब्ज़ी को उतार दिया, थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो सबको परोसूँगी। तब तक यहाँ बिछौना वगैरह सभी मैं साफ़ सफाई कर देती हूँ और सभी बिछौने को अच्छे से लगा देती हूँ। टेबल वगैरह भी पढ़ते हैं तो इसी तरह बुक वगैरह बुक फैला हुआ रहता है तो उसे भी मैं सेट कर देते हैं। और यहाँ पर मैं जा रही हूँ चावल, मेरा सलाद मैंने काट लिया है, चावल निकाल देते हैं और सब्ज़ी दे देते हैं। तो अभी बड़ा वाला बच्चा को जाना है लाइब्रेरी थोड़ा, तो उसे टाइम से खाना इसलिए सुबह में बना देते हैं टाइम से ही, क्योंकि उन लोगों को जाना होता है, एक का स्कूल आ एक का खाकर लाइब्रेरी जाएगा, तो इसलिए चावल भी बना दिया था साथ में रोटी के साथ। तो सुबह में तो परीक्षा था छोटा वाला का, तो उसे रोटी बना कर दे दिया था, वो चला गया है, लेकिन इसे चावल दे देती हूँ क्योंकि ये चावल खा के जाता है। तो चावल सब्ज़ी और सलाद मैंने दे दिया। खाना हो गया है हमारा, किचन भी मेरी
साफ़ हो गई है, साफ़ कर ली हूँ, बाहर मेरा साफ़ सुथरा हो गया है। अब सोच रही हूँ ना, अभी टाइम हो गया 2-3 घंटे, फिर दूसरे काम में लग गई थी। इसके बाद शाम हुआ, क्योंकि धूप बहुत कड़ा था तो धूप में मैं कुछ काम नहीं की, लेकिन शाम के टाइम में आकर अभी 4 लगभग बज रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी देखिए कितना फैला हुआ है मेरा ये पेड़, दुआरे के पास भी फैला हुआ है पूरा, और देखिए पूरा फैल गया है ये पेड़ ना, बहुत फैल जाता है, तो इसे ही छटाई करनी है मुझे। नीचे से मैं हटा दूँगी थोड़ा काट के। ये होता है ना कि बरसात जब पड़ेगा ये पानी तो और भी फैलेगा, तो इसे काट छाट के अलग कर देते हैं। नीचे से सब हटा देंगे, ऊपर से रहेगा, लेकिन नीचे वाला जितना झकाड़ है, जितना फैल गया है ना, आते जाते पैर में भी लगता था, मोटरसाइकिल निकालने में भी नहीं बनता था, तो इसे छाट दे रही हूँ। वैसे भी थोड़ा सा और फैला रहता है फूल, तो सुंदर लग रहा था, लेकिन इसकी छटाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बरसात का टाइम है और आने जाने में कुछ भी छुप सकता है। रात के टाइम में तो भाई कुछ भी छुप जाए, कुछ भी काट ले, तो फिर बहुत डर लगता है इन चीज़ों का, तो इसलिए पहले पेड़ पौधे को छटाई कर देते हैं। हल्का हल्का नीचे से छटाई कर देंगे तो फिर आने जाने में दिक्कत नहीं होगा। अपना जानते भर में तो ये सारी चीज़ें सुरक्षित करनी ही पड़ती है, और बरसात के मौसम में बहुत सारे जीव जंतु आकर छुप जाते हैं इसमें, और आते ही हैं मेरे आंगन में, क्योंकि आप देख सकते हैं पेड़ पौधे हैं, और तो आते ही हैं, कभी ना कभी दिख ही जाता है, तो डर लगता है इन चीज़ों से, तो वही साफ़ सफाई करके रखती हूँ यहाँ पर। वैसे बरसात के मौसम में खास करके ये सारी चीज़ें आते हैं, क्योंकि पानी पड़ते रहता है ना। और इधर आ गई हूँ, उधर का छटैया मेरी हो गई है, इस पेड़ को भी अच्छे से छाड़ देते हैं नीचे से, सिर्फ ऊपर से कितना सुंदर लग रहा है ये देखिए, मेरा नीचे से हटा दिया ऐसा, ऊपर से सुंदर लग रहा है, धरती दिख रहा है ताकि यहाँ छुपेगा नहीं कोई। और ये देखिए थोड़ा थोड़ा रहने दी हूँ फूल को, फूल तो फिर फैल जाता है। तो चलिए वीडियो को एंडिंग करते हैं यहीं पर। बाय बाय, गुड डे।